मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी ने चला ये दांव। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है, वहीं महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा भी कर दी है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनाने पर हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की महिलाओं के बैंक खाते में 1,00,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे और ये राशि उन्हें तब तक मिलती रहेगी जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता। आपको बता दें, राहुल गांधी आगे बोले, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था जो जुमाला निकला। आज देश में अमीर घरों के बच्चे अप्रेंटिस करते हैं। हमारी सरकार आने पर हर शिक्षित युवा को अप्रेंटिस का मौका मिलेगा, इसके बाद उन्हें 1,00,000 रुपए सालाना मिलेगा और अच्छा काम करने पर नौकरी भी मिल सकती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज केंद्र सरकार के विभागों में 30,00,000 पद खाली पड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने इन पदों को खाली रखा ताकि अपने 20-25 मित्रों की मदद कर सके। हम 30,00,000 रोजगार अपने हवाले करके सरकारी विभागों के ठेकेदार प्रथा की व्यवस्था खत्म करेंगे। हिंदुस्तान में अगर कोई सरकारी विभाग में काम करेगा तो नियमित नौकरी से करेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।